सोमवार को चौहान टाउन भिलाई में एक हृदय विदारक घटना घटित हुई, जिसमें एक महिला के लिफ्ट में फंसने से उसके दोनों पैर अलग हो गए। ये हादसा लिफ्ट के अचानक ऊपर की ओर जाने से हुआ, जबकि चौहान बिल्डर के किसी भी अधिकारी व जिम्मेदार व्यक्ति ने अब तक इस मामले में ना तो अपनी संवेदना जताई और ना ही कोई बयान सामने आया है। चौहान टाउन प्रबंधन की लापरवाही का खामियाजा सोमवार को एक महिला को अपने दोनों पैरों की बलि देकर चुकाना पड़ा। मामला सोमवार की दोपहर का है, जहां चौहान टाउन में रहने वाली सावित्री देवी उम्र 62 वर्ष अपने फ्लैट में जाने के लिए लिफ्ट में जैसे ही चढ़ी थी कि लिफ्ट अपने आप तेजी से ऊपर की ओर जाने लगी और इस बीच सावित्री देवी के दोनों पैर लिफ्ट के बाहर लटक गए और जैसे जैसे फ्लैट मालों को पीछे छोड़ते हुए लिफ्ट ऊपर बढ़ती रही, महिला के पैर लिफ्ट में बुरी तरह फंसकर क्षतिग्रस्त होते रहे और अंततः महिला ने अपने दोनों पैर गवा दिए। इस बात का पता अब तक नहीं चल पाया है कि लिफ्ट अपने आप ऊपर और नीचे कैसे हो रही थी। ये हृदय विदारक घटना घर जाने के बाद चौहान टाउन के रहवासियों ने बताया कि लिफ्ट खराब होने की शिकायत विगत 4 महीनों से लगातार चौहान बिल्डर के कार्यालय में की जा रही है, परंतु किसी ने इसकी सुध नहीं ली और ये हादसा घट गया। फिलहाल सावित्री देवी का हाईटेक हॉस्पिटल में आईसीयू में इलाज जारी है। घटना से गुस्साए लोगों ने चौहान टाउन के ऑफिस में हंगामा भी किया है। लोगों ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि करोड़ों व लाखों रुपए खर्च करके आलीशान बंगला तो हम लोगों ने ले लिया, परंतु चौहान बिल्डर के द्वारा फ्लैट और बंगले खरीदते समय किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया और आज इस घटना की पूरी जिम्मेदारी चौहान बिल्डर पर जाती है। कल जो है हम लोग बेसिकली मॉल गए घूमने के लिए, वहाँ से लौट के हम लोग आए करीब 10:15 बजे। इसके बाद हम लोग सब अपने कार को पार्क करके लिफ्ट में घुसे हैं। हम मेरी वाइफ मेरा बच्चा घुसे ही थे और मम्मी घुस ही रही थी, इतने में लिफ्ट ऑटोमेटिकली चलने लगा। ना उसका ग्रिल लॉक हुआ है, ना कोई बटन दबा है, वो ऑटोमेटिकली चल पड़ा और रुका तो जाके फिफ्थ पे ही, क्योंकि वो समझ में नहीं आया कि वो चला कैसे, क्योंकि अभी तक लिफ्ट कभी भी वैसे नहीं चलता था जब तक उसका पहला गेट और सेकेंड गेट, जब तक दोनों गेट लगता नहीं है तब तक वो चलता नहीं है। बट कल कैसे चला ये हमें भी नहीं पता चला। लिफ्ट कम से कम 2 से 2.5 साल से ख़राब है, पर साल भर से कुछ ज़्यादा ख़राब थी। हम लोगों ने बहुत बार कंप्लेन किया इसके रिगार्डिंग कि लिफ्ट ठीक किया जाए, कभी 2 पैट की हुई है, कभी 4 पैट की हुई है। हम लोग 5th फ्लोर पे रहते हैं तो हम लोग को प्रॉब्लम होती है चढ़ने उतरने में, उतरने में नहीं तो पर चढ़ने में तो ज़रूर प्रॉब्लम होती है। अगर आप सब्ज़ी लेके भी आओ या कोई सामान लेके आओ तो बहुत मुश्किल होता है। इंजरी ये है कि उनके दोनों पैर जो है वो फ्रैक्चर हैं, राइट हैंड वाले पैर जो हैं उसमें फ्रैक्चर जो है वो नॉर्मल प्लास्टर से तो अभी हो गए हैं, बट जो लेफ्ट हैंड में पैर में जो फ्रैक्चर हैं वो बहुत ज़्यादा है, घुटने के पास से पूरा ही उनका जो है वो निकल गया है बाहर। तो डॉक्टर दिलीप सिन्हा ने जो है यहाँ पे अभी ऑपरेट किया है कल, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है, मुझे इमीडिएट आए, वो चेक किए, थोड़ा सा दिलासा भी दिलाए, पर थोड़ा सा उन्होंने बताया भी प्रॉब्लम कि ब्लड सर्कुलर का प्रॉब्लम है। अभी उनको 2 दिन का ऑब्जर्वेशन उनका है कि अगर ब्लड सर्कुलर सही से हुआ नहीं तो फिर काटने तक का नौबत उन्होंने बताया हुआ है, तो थोड़ा तो क्रिटिकल हम लोग के लिए अभी 2 दिन है। 2 दिन के बाद पता चलेगा कि क्या एक्चुअल में जो है क्या कहते हैं हमारे साथ होता है, डॉक्टर सर ही बताएंगे। फिलहाल उन्होंने सर्जरी किया है, बोला है सर्जरी ओके है, अच्छा है। ये पूरे चौहान टाउन में जो भी वहाँ के सोसाइटी मेंबर हैं जो देख रहे हैं या वहाँ के जो भी मेंटेनेंस देख रहे हैं, चाहे जैसे वहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया है या जो भी बनाया है या फिर चौहान वाले खुद देख रहे हैं, वो 100% वो इसका जो है जिम्मेदारी लें कि उन्होंने ये काम अपने से किया है, उन्होंने बढ़िया से देखा नहीं, किया नहीं। सिर्फ वहाँ के जो भी मेंटेनेंस देख रहे हैं, चाहे जैसे वहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया है या जो भी बनाया है या फिर चौहान वाले खुद देख रहे हैं, वो 100% वो इसका जो है जिम्मेदारी लें कि उन्होंने ये काम अपने से किया है, उन्होंने बढ़िया से देखा नहीं, किया नहीं। सिर्फ मेंटेनेंस से मतलब है, हो सकता है कि हम लोगों ने मेंटेनेंस रोका
रोकने का रीज़न यही है कि हमारा प्रॉपर वे में लिफ्ट नहीं चल रहा है, तो हम लोग मेंटेनेंस क्यों दें? लीगल एक्शन के लिए तो जाएंगे, पर फिलहाल पुलिस कंप्लेन हम लोग ने रात में ऑलरेडी कर दिया है। वो बोले थे कि हॉस्पिटल की तरफ से हमारे पास आएगा, तो फिर वो कोई एक्शन लेंगे। अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं उनको जाके यहाँ का रिपोर्ट दूँ, वहाँ का रिपोर्ट दूँ। पहले हमारे लिए मम्मी पहले फर्स्ट प्रायोरिटी है, उनको कैसे बचाना है वो पहले मेरी प्रायोरिटी है, उसके बाद तब फिर देखेंगे क्या होना है। लगातार 4 महीने से हो रही शिकायत के बाद भी चौहान बिल्डर द्वारा लिफ्ट का मेंटेनेंस ना कराना और अपने ग्राहकों को किए गए वादों को पूरा न करना शक के दायरे में खड़ा करता है। शासन प्रशासन को इस मामले की गंभीरता को समझते हुए इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि इस हादसे के जिम्मेदारों को एक सबक मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज।